उज्जैन शहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर बैठक में कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसे। उज्जैन शहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर और बैठक आयोजित होने वाली है। इसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे और प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, साथ ही बैठक भी आयोजित होगी। विधायकों की इस बैठक को इस प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसना शुरू किया और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र में आम जनता को जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए शिविर रखा जा रहा है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। को लेकर दर्ज कराया जा रहा है, किस प्रकार से क्या है? ये जो काला कानून सरकार लेकर आई है इसके विरोध में है और इस धरने के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं उनको बताना चाहते हैं, जो कल संसद में बोल रहे थे वो, कि ये आंदोलन किसी एक राज्य का है, ये एक राज्य का नहीं पूरे देश का है। और केंद्र की सरकार ने आज मीडिया को इतना डरा रखा है, मीडिया को काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन एक ही राज्य का है। तो ये एक राज्य का ना होते हुए ये पूरे देश का आंदोलन है और पूरे देश में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कारपोरेट के हाथ जो मीडिया है उसको डरा रखा है, उसको दिखाने नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे बैन लगा रखा है, जहां आंदोलन चल रहे हैं वहां पे इंटरनेट बंद कर रखा है और सरकार ये बताने में तुली है कि आंदोलन एक ही राज्य का है, ये पूरे देश का। और काला कानून हम तो निवेदन कर रहे हैं कि ये वापस होना चाहिए, इससे पूरे देश का नुकसान होने वाला है। आपका नाम? ओम गुरैया, पूर्व शहर कांग्रेस प्रवक्ता। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को प्रशिक्षण उज्जैन शहर में दिया जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि चुने हुए जो विधायक हैं उनको प्रशिक्षण देने की ऐसी क्या आवश्यकता आनी पड़ी, क्या उनको प्रशिक्षण देना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ये निष्क्रिय पार्टी है जो चुने हुए प्रतिनिधि को प्रशिक्षण दे रही है। इसका मायने यह है कि वो आम जनता के हित की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको सरकार में निर्णय का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, आपको एक बताना चाहता हूँ एक मुद्दे के माध्यम से, कि अभी 2016 में सीएस निपटा है उज्जैन से, हजारों करोड़ रुपए उज्जैन में लगा, हजारों करोड़ रुपए, और आज उज्जैन की सड़कें देखो आप खुद ही पड़ी है। मास्टर प्लान नहीं है इनके पास कोई योजना नहीं है, बस लोगों का पैसा खाना और हड़पना, ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की नीति है। आप समझिए कि यही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट टाटा का सीवर लाइन डालना होती तो ये 2016 के अंदर डालते और करोड़ रुपए जनता के ये व्यर्थ में खर्च करते। आज 3 साल बाद वही पैसा फिर से लगा रहे हैं, इतना पैसा एक कंपनी को लाभ दिलाने के लिए। शिवराज सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जनता का पैसा खा रहे हैं। और आपको एक माध्यम से और कुछ बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल के दाम 95 हो गए। ये लोग जो साइकिल पर घूमते थे, पेट्रोल डीजल और गैस की बातें करते थे, वो स्मृति ईरानी जी ऐसी महिला जो आज महिलाओं के लिए बात नहीं कर रही है। शर्म आनी चाहिए शिवराज जी, स्मृति ईरानी जी, कि आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं और आपको इसलिए प्रशिक्षण रखना पड़ रहा है कि आपके विधायक आपके मंत्री जनता के लिए घिरे रहे हैं, जनता का जवाब नहीं दे पा रहे, क्षेत्र में जा नहीं पा रहे। बहुत शर्म की बात है मुख्यमंत्री जी आपके लिए कि आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ पाए, उनके बोल नहीं पा रहे, इसलिए आप उज्जैन में लाकर उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे बचें क्षेत्र की जनता से। शिवराज जी, थोड़ा शर्म करो, जनता के लिए काम करो, आने वाले लोग आपको आपको देखेंगे नहीं। और मैं इस माध्यम से एक और चीज बताना चाहता हूं कि इतना बुरी स्थिति है उज्जैन में, कोरोना काल में यहाँ के विधायकों ने, मंत्रियों ने, हर क्षेत्र मंत्रियों ने 30-30 क्विंटल 20-20 क्विंटल गांव पंचायत से अनाज उगाया, लोगों से लिया, किसानों से लिया, अन्नदाता से लिया। आज उनकी लड़ाई की बात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी किसानी जा रही है, और वो जो अनाज की बात थी वो अनाज कहने कहाँ हड़प के चले गए, वितरण ही नहीं हुआ साहब। ऐसी स्थिति है मध्य प्रदेश में, जनता त्राही त्राही कर रही है, वो अनाज खा गए जो बांटने का था, वो खा के चले गए। तो जनता देख रही है, समझ रही है, बाबा महाकाल ईश्वर देख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।